नमस्कार, एशिया न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख खबरें। करणी सेना परिवार का आंदोलन खत्म, 17 मांगों पर सरकार राजी, आरक्षण के मुद्दे पर नहीं बन सकी बात। यूवीन पोर्टल लॉन्च, भोपाल के जेपी अस्पताल में लगाया देश का पहला टीका। ग्वालियर मुरैना में एटीएम काट कर 66 लाख रुपए से ज्यादा ले गए बदमाश। मक्सी शाजापुर के बीच अब दिन दहाड़े हो रही ट्रक कटिंग वीडियो वायरल। मुरैना में 80 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में सहारा इंडिया का डायरेक्टर दिल्ली से गिरफ्तार। मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की जमानत अर्जी खारिज। 15 फरवरी से 1 मार्च तक भरेंगे प्री नर्सिंग के ऑनलाइन फॉर्म, 8 जून से शुरू होगी परीकक्षा। आलोट में यूरिया लूटकांड, रिमांडपुरा विधायक को इंदौर कोर्ट में पेश किया, सेंट्रल जेल भेजा। शाजापुर में प्रेम के लिए बदला मजहब, आरिफ से बन गया आनंद। एमपीपीएससी में 150 सवालों का होगा कंप्यूटर प्रोग्रामर का पेपर, हर प्रश्न 3 नंबर का, गलत नंबर पर 1 नंबर कटेगा। महितपुर में पुतला दहन के दौरान पुलिस और करणी सेना के बीच झड़प। इंदौर में 4-5 घंटे पहले जन्मा शिशु रिक्शा में छोड़ गया कोई चालक, घर पहुंचा तो पता चला। इंदौर में पहले दिन 1.5 लाख करोड़ के निवेश की घोषणाएं, अब नए सेक्टर में निवेश करेंगे दिग्गज। रियल एस्टेट में आएगी गोदरेज, अदाणी समूह मध्य प्रदेश में अस्पताल बनाएगा। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एशिया न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।